दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कौन छूट रहा है और कौन साथ चल रहा है, तो इसी पर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, कल तक चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ जो है उनकी कुर्सी हट जाएगी और ये कुर्सी हटाने के लिए किस तरह दिल्ली बिल्कुल किसी भी शर्त पर उतारू है, कुछ भी करने पर उतारू है और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। ऐसे में एक ऑफर निकल आता है विपक्ष से अखिलेश यादव का और अब केशव प्रसाद मौर्य के लिए योगी आदित्यनाथ की जगह नाम बदल जाता है और केशव पर दाव लगना शुरू हो जाता है। अब केशव के साथ ऐसा क्यों हुआ, जरा ये सोचिए। जहां पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा रही थी, जाते जाते रुक गई, वहीं केशव प्रसाद मौर्य अचानक से उस जगह आकर खड़े हो गए जो अभी तक खास थी, दिल्ली के करीब थी, लेकिन अब किसी और तस्वीर में दिखाई देने लगी। ये ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को क्यों गया, ये बात आपने सोची एक बार भी? केशव प्रसाद मौर्य को ये ऑफर इसलिए गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर दिल्ली का जो दाव है वो महज दाव है या दिखावा है, ये केशव प्रसाद मौर्य समझ नहीं पा रहे हैं। अब अंदर ही अंदर घुटने वाली स्थिति उनके लिए पैदा हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़िए और बताते हैं कि क्या जानकारी है इसको लेकर। केशव के दर पर सहयोगी और बीजेपी नेताओं की दस्तक, क्या ओबीसी नेताओं की लामबंदी में जुटे हैं मौर्य? दरअसल केशव प्रसाद मौर्य एक अलग ही समीकरण बनाने पर जुटे हुए हैं। वो इस वक्त एक एक करके जिन लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं उसको जरा गौर से सुनिए और समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का कौन सा दाव खेला जा रहा है। और इसको हल्के में मत लीजिएगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो राजनीति का दाव चल रहा है वो केशव प्रसाद मौर्य किसी भी वक्त किसको कितना चित करने वाले हैं ये समझिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कैबिनेट की बैठकों से दूरी बनाकर रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने मुलाकात करने वाले सभी बीजेपी नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा भी की हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार खींचतान जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद से नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। सियासी वर्चस्व की जंग में अब एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए शहमात का खेल भी खेला जा रहा है। चुनावी नतीजों के बाद से कैबिनेट के बैठकों से दूरी बनाकर रखने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। केशव से मिलने वाले लोगों की सबसे बड़ी जो संख्या अगर देखी जाए तो वो है ओबीसी और दलित नेताओं की। बीजेपी के सहयोगी और सरकार के मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दरवाजे पर जो दस्तक हो रही है वो सियासी संदेश किसका है और क्या है, इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। सीएम योगी ने इसी हफ्ते में आजमगढ़ की समीक्षा बैठक की थी, इसमें सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया गया। सीएम योगी की बैठक में शामिल होने की बजाय राजभर लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए, ये तस्वीर भी आई थी। ये तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट भी की थी। दोनों ही नेताओं के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। इसके दूसरे दिन मंगलवार को निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। ओम प्रकाश राजभर मिलते हैं, फिर संजय निषाद मिलते हैं, इनसे मिलने का क्या मतलब है अभी, ये जरा समझने की कोशिश कीजिए। अभी तो खुद ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितने ज्यादा काम के हैं इस वक्त में, क्योंकि हाल ही के चुनाव के नतीजों में कुछ बहुत खास नहीं लगाया हाथ। ऐसी परिस्थितियों में अब उन्हें तवज्जो देने का मतलब क्या आधार होगा, जरा ये सोचिए। पिछले 10 दिनों में संजय निषाद से दूसरी बार केशव प्रसाद मौर्य मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, बीजेपी के ओबीसी और दलित नेता भी केशव प्रसाद मौर्य से उनके घर पर जाकर मुलाकात कर चुके हैं। डिप्टी सीएम ने मुलाकात करने वाले सभी बीजेपी नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, ऐसा वो जानबूझकर कर रहे हैं, तस्वीर तक साझा कर रहे हैं। आप जरा सोचिए केशव प्रसाद मौर्य कौन सी बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों केशव प्रसाद मौर्य से मिलने वाले बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं में ज्यादातर लोग ओबीसी हैं, दलित समुदाय के हैं। आप एक मिनट के लिए सोच सकते हैं कि अखिलेश यादव जहां पर पीडीए की लाइन लेकर चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को
दलित और ओबीसी को साधने का काम दे दिया है, क्योंकि मौर्य जाति के साथ में इस वक्त उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय और ओबीसी के लोग जो है वो जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में ये अखिलेश को काट करने के लिए इनको आगे बढ़ाया जा रहा है, या फिर ये बीजेपी को काट के अखिलेश के साथ चले जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। खैर, इसके अलावा केशव ने जिस तरह से योगी सरकार से संविदा और आउटसोर्सिंग के तहत होने वाली नियुक्ति में आरक्षण के नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए और उनकी सूचनाएं मांगी है, उसके पीछे सिर्फ जानकारी उठाना मकसद नहीं हो सकता है, इसके पीछे अच्छे खासे बड़े सियासी मायने हैं। माना यह जा रहा है कि विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूला के नैरेटिव को तोड़ने की स्ट्रैटेजी है। देखिए, ये बात वही निकल कर आ रही है, आगे समझिए इस बात को ध्यान से। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य का खुद को ओबीसी चेहरे के तौर पर स्थापित करने का प्लान तो नहीं है, ये बड़ा सवाल है। ये देखिए 2022 में योगी आदित्यनाथ को किस तरह से बनाया गया, आगे बढ़ाया गया, और अब केशव प्रसाद मौर्य जो पिछली दो बार से लगातार लाइन में लगे रहे सीएम की, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब फिलहाल वो ये कर सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि कैसे, किस तरह से इस परिस्थिति में केशव प्रसाद मौर्य तीसरी बार में दांव खेलने के लिए तैयार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा, उसकी सीटें 62 से बढ़कर 33 पर पहुंच गई। यूपी में बीजेपी 2014 में 71 थी और 2019 में 62 थी, लेकिन 2024 में सिर्फ 33, आधे 50% का लॉस, 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी की हार में सबसे बड़ी वजह ओबीसी और दलित वोटों का ही छिटकना रहा। बीजेपी ने 2014 में जिन गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों को अपने साथ जोड़कर मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी, उसमें कांग्रेस सपा गठबंधन सेंधमारी करने में कामयाब रहा है। लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटों के छिटकने से सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी दलों को भी नुकसान उठाना पड़ा। इसी का नतीजा था कि अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल लगातार ओबीसी के मुद्दे को उठाने में जुटी रही है। सीएम योगी को पत्र लिखकर उन्होंने ओबीसी आरक्षण में भेदभाव का आरोप लगाया था, साथ ही कहा था कि दलितों को नौकरियों में योग्य नहीं कहकर रोका जा रहा है, इससे गुस्सा बढ़ रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल के बाद संजय निषाद ने भी ओबीसी के मुद्दे पर योगी सरकार को घेर लिया और बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम पर लिखवाने के लिए योगी सरकार के फैसले का आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी अच्छा खासा विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर आपने यहाँ पर नाम लिखा तो दिल्ली के चाणक्यपुरी मॉल के में भी जाकर किसान अपना दावा पेश कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, सामान उठाकर ले जाएंगे तो आप क्या करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य से ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद सिर्फ मुलाकात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके सुर में सुर भी मिला रहे हैं। संगठन को सरकार से बड़े वाले बयान को लेकर सभी सहयोगी दलों का साथ मिला है। केशव जिस तरह से ओबीसी नेताओं से मिल रहे हैं, जिस तरह से मिल रहे हैं, उसके पीछे माना जा रहा है कि ओबीसी चेहरे को खुद को स्थापित करने की स्ट्रैटेजी, यानी कि ओबीसी के चेहरे के तौर पर दलितों को साथ लाने के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य खुद को एक मजबूत नेता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने चेहरे से, यानी कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर खुद को फ्रंट में लाने के लिए दिल्ली ने उनको जो जिम्मेदारी सौंप दी है उस पर वो काम कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है, वो हर कदम उठा रहे हैं जिसके जरिए खुद को बीजेपी में मजबूत किया जा सके। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में इस समय सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। 2024 में जिस तरह से ओबीसी और दलित वोट छिटका है उसको लेकर बीजेपी इस वक्त भयंकर तरीके से बैकफुट पर है। बीजेपी की कोशिश दोबारा से अपनी सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने की है। इसके चलते उन्होंने बहरन लाल मौर्य को एमएलसी बनाने का फैसला किया है जो केशव प्रसाद मौर्य के करीबी हैं। यूपी में जो परसेप्शन बना हुआ है योगी सरकार में सिर्फ सवर्ण जातियों का ही दबदबा है, उसे तोड़ने की स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसके लिए मोर्चा तो संभाला है, बीजेपी नेताओं से लेकर सहयोगी नेताओं के साथ मुलाकात करके सियासी संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ओबीसी के बीच एक मजबूत छवि बन सके। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से जो जिम्मेदारी मिली है, जो कि उत्तर प्रदेश में फूट डालने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है,
योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है उस पर वो कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष भी उन्हें अपना ध्यान लगाने नहीं दे रहा है, वो भी भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए मॉनसून ऑफर दिया है, आगे विंटर ऑफर की तैयारी के अखिलेश यादव कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश यादव भी ये बात पूरी तरह से जान गए हैं कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त दिल्ली से भेजे गए हैं लखनऊ उस काम के लिए जो कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए दिया गया है उनको। केशव प्रसाद मौर्य की उस तस्वीर को याद कीजिएगा जब वो दिल्ली से लखनऊ गए अमित शाह से मुलाकात करने के बाद, उस वक्त उनके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट इसलिए नहीं थी कि उनको कुर्सी मिल रही है, मुस्कुराहट इसलिए थी कि जैसे कह दिया जाता है कि जाइए ये काम करके लाइए, कर लाएंगे तो फिर ये कुर्सी आपकी। अब केशव प्रसाद मौर्य को एक एजेंडा दे दिया गया है, अगर केशव प्रसाद मौर्य को ये कुर्सी मिले या ना मिले, नहीं मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, ये मिले या ना मिले, इस परिस्थिति में कम से कम बीजेपी को ओबीसी और दलित वोटर जरूर मिल जाएगा, ऐसी कोशिश केशव के द्वारा की जा रही है। अब समझना यह होगा कि केशव प्रसाद मौर्य खुद को एक कठपुतली बनाकर यहाँ छोड़ देंगे या फिर वाकई में इस कुर्सी पर कब्जा जमा लेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।